ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। कैपिटल रिसीव पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। अब ये कैपिटल रिसीव्स क्या होती हैं, क्या होती है पूंजीगत प्राप्तियां? कैपिटल रिसीव्स आर दोज रिसीव्स बाय विच देयर इज सम इंपैक्ट ऑन द लायबिलिटी एंड असेट स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार की दायित्व और परिसंपत्तियों के स्तर में कोई परिवर्तन आता है। मींस दीज रिसीव्स इधर में क्रिएट सम लायबिलिटी, मींस न्यू लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, और दीज रिसीव्स में कॉज रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। या तो इन प्राप्तियों से सरकार के दायित्व बढ़ जाएंगे या फिर इन प्राप्तियों के द्वारा सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ रिवेन्यू रिसीव, जो भी रिवेन्यू रिसीव राजस्व प्राप्तियों में पड़ा था बिल्कुल उसका उल्टा है, ठीक है। तो इफ द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम RBI और फ्रॉम जनरल पब्लिक, देन द गवर्नमेंट विल हैव टू रिटर्न द मनी। अगर सरकार उधार लेती है, चाहे विदेशों से उधार ले, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले या साधारण जनता से ले, उसको वापस करना पड़ेगा। मीन्स दिस विल क्रिएट लाइबिलिटी, इससे क्या होगा, दायित्व पैदा होगा, ठीक है। एंड इफ द गवर्नमेंट सेल्स सम शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, देन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल फॉल। अगर सरकार कुछ भी किसी भी सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम के कुछ शेयर बेच देती है तो उससे सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं, ठीक है। सो समझ में आ गया अब ये क्या होता है। इन शॉर्ट कैपिटल रिसीव्स आर दोज रिसीव्स, दोज मनी रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इधर क्रिएट लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन इट्स एसेट्स। तो पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं, वे मनी रिसीट मतलब वे धन की प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी मतलब देयताएं बढ़ेगी या उसके पर उसकी परिसंपत्तियां घटेंगी। अगर यहाँ पे एन लगा दे, विच नेदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर कॉज रिडक्शन इन इट्स असेट, तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? अगर बस एन लगा दे दो जगह, इधर को नेदर कर दें और को नॉर कर दें, तब ये डेफिनेशन बन जाएगी रेवेन्यू रिसीप्ट्स के। बिल्कुल आसान है दोनों की डेफिनेशन याद करना, ठीक है। एक की याद कर लो, दूसरे की बन जा रही है। तो ये तो लेकिन एन हटा देंगे तो किसकी बन गई, अब ये हो गई हमारी कैपिटल रिसीट पूंजीगत प्राप्तियां, या तो उनसे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सरकार की देयताएं बढ़ जाती है, या फिर उसकी परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। उसमें या तो की जगह कर दे ना, या की जगह कर दे ना तो, ठीक है। अगर राजस्व प्राप्ति में बदलना है, ना तो सरकार की जिम्मेदारी मतलब देयताएं बढ़ेगी, ना ही सरकार की, दूसरा वाले या में कर दे ना ही सरकार के पास संपत्तियां कम हो जाएगी, तो हो जाएगा ये रेवेन्यू रिसीप्ट की डेफिनेशन हो जाएगी।
capital shift. So under capital shift, recovery of loans, borrowing and other liabilities, other receipts, three types of means, three categories of the capital receipts are given. तीन तरह की इसमें वर्ग दिए हैं, किसके पूंजीगत प्राप्तियों के, तीन तरह की पूंजीगत प्राप्तियां दी गई हैं, ठीक है. फर्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन. वेन एवर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, देन इट विल गेट सम सिक्योरिटी. अगर सरकार किसी को उधार देगी, कोई भी राज्य सरकार को उधार दे रही है, तो केंद्र सरकार को क्या मिलेगा, सिक्योरिटीज, यानी कि प्रतिभूतियां मिलेंगी. सो ऑन दीज सिक्योरिटीज गवर्नमेंट अर्न इंटरेस्ट. सो दीज आर द असेट ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, उन पे सरकार को ब्याज मिलता है, ब्याज की कमाई होती है उससे. तो फिर ये जो सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, सरकार की परिसंपत्ति हुई. वेन एवर द लोन इज रिकवर्ड, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट रिपे बैक दियर लोन अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दीज सिक्योरिटीज विल बी रिटर्न. जो भी सिक्योरिटीज वगैरह ले रखी है केंद्र सरकार ने, वो वापस करनी पड़ेगी जब इस सारे, मतलब जो भी राज्य सरकारें हैं, लोन को वापस करेंगी, ठीक है. तो असेट फिर कम हो जाएंगे, सिक्योरिटीज मीन्स असेट, परिसंपत्तियां कम हो जाएंगी. सो रिकवरी ऑफ लोन इज अंडर कैपिटल रिसीट्स. इसीलिए लोन की रिकवरी को कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, क्योंकि इससे असेट्स कम हो रही हैं, परिसंपत्तियां कम हो रही हैं. सेकेंड, borrowing and other liabilities. Whenever the government borrow money from other sources, from any sources, then the liabilities will be generated, created for the government. अगर सरकार कहीं से लोन लेती है, कहीं से उधार लेती है, तो सरकार के ऊपर देयताएं बढ़ जाएंगी, ठीक है. मतलब कि उसको वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में. Borrowing will create liability. So there are three sources of borrowing for the government. Government can borrow money from three sources. कोई भी सरकार है, तीन तरह के उसके पास स्रोत रहते हैं, जहाँ से उसे मतलब सरकार को उधार मिल सकता है. तो तीन स्रोत कौन से है? First, general public, सामान्य जनता. Second, borrowing from Reserve Bank of India. Third, borrowing from rest of the world. ठीक है, पहला तो है साधारण जनता से उधार लेना, दूसरा है देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेना. केंद्रीय बैंक अपने देश का है, भारतीय रिजर्व बैंक. तीसरा है शेष विश्व से उधार लेना, मीन्स शेष विश्व मतलब फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज और फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे उधार लेना, या फिर दूसरे देश की सरकारों से उधार लेना, ये आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है. इससे क्या होगा, लायबिलिटी जनरेट होगी. अदर रिसीट्स, अंडर अदर रिसीट्स डिस इन्वेस्टमेंट इज देयर. अब ये अन्य प्राप्तियों में आता है डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब विनिवेश. अब ये विनिवेश क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट. If we break this word, we will get two words, dis plus invest. दो तरह के, मतलब दो word हैं, dis और investment. इन दोनों को जोड़ के बना है disinvestment. हिंदी में विनिवेश, वी धन निवेश, means it is opposite of इन्वेस्टमेंट. निवेश का ये क्या है, उल्टा है, ठीक है. निवेश का उल्टा, जो काम निवेश में होता है उसका उल्टा होगा यहाँ पे. इन इन्वेस्टमेंट वी पुट सम मनी, वी बाय सम कैपिटल. हेयर वी सेल कैपिटल, वी सेल अवर असेट्स.
यहाँ पे हमको क्या करना है, अपनी परिसंपत्तियों को बेचना है। निवेश में हम खरीदते हैं, इसमें क्या कर देना है, जो भी हमारी परिसंपत्तियां हो रहे उनको बेच देना है, अपनी पूंजी को कम कर देना है। ठीक है। सो वेन एवर द गवर्नमेंट सेल्स इट्स असेट्स मीन्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देन इट विल अर्न मनी बट इट्स असेट्स व असेट्स विल बी लोवर्ड। जो जब भी सरकार किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के सार्वजनिक कंपनी के शेयर को बेचती है या पूरी तरह से उसको बेच देती है, पूरी कंपनी को, पूरी उपक्रम को, तो सरकार को धन मिलेगा, लेकिन बदले में उसकी जो परिसंपत्तियां हैं कम हो जाएंगी। ठीक है। परिसंपत्तियां कम हुई तो कौन सा टाइप का हो गया ये, कैपिटल, कैपिटल रिसीव्स। ठीक है। इफ लाइबिलिटी जनरेटेड और असेट्स फॉल देन द रिसीव्ट विल बी कैपिटल रिसीव्ट। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या असेट्स कम हो रहे हैं तो ऐसी रिसीव्ट को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीव्ट या पूंजीगत प्राप्तियां। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट क्या है, दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, टू सेल द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके शेयर को बेचना, जहाँ जहाँ भी सरकार ने अपना पूंजी का निवेश किया है उसको हटाना, हो गया विनिवेश। हाउ आर रिवेन्यू रिसीव्स डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिसीव्स इन टर्म ऑफ दियर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है। ये डिफरेंस हमको जानना जरूरी है। पहले तो अब तो इसका क्वेश्चन लिखने का आएगा नहीं, लेकिन जो कुछ एग्जाम्पल बने रहेंगे उसमें छाटने का आ सकता है, कौन सा रिवेन्यू रिसीव्स है, कौन सा कैपिटल रिसीव्स है। 1 मार्क्स में आ सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। ठीक। डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तीन सही, तीन डिफरेंस सही लिखा है, एक डिफरेंस गलत लिखा है, ऐसा कर सकते हैं। तो रिवेन्यू रिसीव्स अंडर रिवेन्यू रिसीव्स दोज रिसीव्स कम विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। रिवेन्यू रिसीट में क्या आता है, राजस्व प्राप्तियों में ऐसी प्राप्तियां आती हैं जो सरकार की परिसंपत्ति और देयताएं की जो भी स्तर है उसको प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नेदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। परिसंपत्तियां और देयताएं ना तो बढ़ती हैं ना घटती हैं। इन कैपिटल रिसीट्स अफेक्ट इम्पैक्ट असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीप्ट क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, प्रभाव अपना डालती हैं किस पर, सरकार की परिसंपत्तियों और सरकार की देयताओं के स्तर पर। ठीक है। इधर असेट विल बी लोवर्ड और लाइबिलिटीज विल बी जनरेटेड। या तो असेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, परिसंपत्तियां कम हो जाएंगी, और या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, दोनों में से एक काम होगा। डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस, अब दोनों का महत्व क्या है, महत्व में क्या अंतर है। इफ रेवेन्यू रिसीव्स डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन मीन्स द गवर्नमेंट व्हाट एवर द गवर्नमेंट इज टेकिंग इज गेटिंग एज रेवेन्यू रिसीव्स इज इट डज नॉट नीड टू रिटर्न बैक। अगर सरकार को कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है रिवेन्यू रिसीप्ट के रूप में, जो भी राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बट कैपिटल रिसीप्ट ऑफन लीव बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन मीन्स टूडे द गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन इट बोरोइंग मनी फ्रॉम एनी सोर्स बट द फ्यूचर जनरेशन विल हैव टू पे। द फ्यूचर जनरेशन विल बी इम्पोज मोर मनी मोर टैक्सेस सो दैट दीज
liabilities can be removed, can be covered. आज सरकार लोन लेके काम चला रही है, उधार लेके काम चला रही है, लेकिन इसका असर का कहाँ पे पड़ेगा? फ्यूचर, भविष्य की जनसंख्या पे पड़ेगा. भविष्य की जनसंख्या को क्या होगा, ये सारी चीजें वापस करनी पड़ेगी. ठीक है, आज जो कुछ भी ले रही है सरकार उसको वापस करना पड़ेगा. अब भविष्य में क्या होगा, भविष्य की जनसंख्या पे टैक्स ज्यादा लगाए जाएंगे, कर ज्यादा लगाए जाएंगे, ताकि ये सारे जो खर्चे हैं पूरे किए जा सके, लोन जो है वापस किए जा सके. हाई रिवेन्यू रिसीव्स पॉइंट टू साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. अगर उच्च राजस्व की प्राप्ति है तो यह एक इंडिकेटर है, सूचक है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, मजबूत है. ठीक है, इफ जीडीपी इज हायर, इफ इनकम लेवल इन द इकोनॉमी इज हायर, देन द गवर्नमेंट विल बी एबल टू गेट मोर रिवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. ठीक है, अगर जीडीपी बहुत ऊपर जा रही है, ऊंची जीडीपी है, हाई जीडीपी लेवल है, या फिर आय जो है देश के लोगों की अच्छी खासी है, तभी वो ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे, तभी जनता से सरकार जो है टैक्स ज़्यादा वसूल कर पाएगी. ठीक है, तो हाई रेवेन्यू रिसीट्स मींस हाई में जीडीपी और हाई लेवल ऑफ इनकम मींस इकोनॉमी इज इन द गुड कंडीशन. देश की अर्थव्यवस्था, देश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है. अगर रेवेन्यू रिसीव अच्छे आ रहे हैं, मीन्स द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट डू नॉट नीड टू असोर्ट डू नॉट नीड टू रिसोर्ट कैपिटल रिसीव और बोरोइंग. अगर रेवेन्यू रिसीव अच्छा है तो इसका मतलब ये सरकार को उधार का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसका खर्चा चल जा रहा है रेवेन्यू रिसीव से. ठीक है, हाई कैपिटल रिसीव्स मीन्स हाई बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, दैट्स वाई द गवर्नमेंट नीड बोरो मनी फ्रॉम अदर्स. अगर बहुत ज़्यादा पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो पूंजीगत प्राप्तियां कब आएंगी, जब सरकार उधार खूब लेगी तब आएगी ज़्यादा, या फिर सरकार विनिवेश करे, मतलब अपनी कंपनी का बेचे, अपना जैसे लोग कहते ना घर का सामान बेच के खाओ, तो वो वाला काम चल रहा है, तो इसका मतलब घर की हालत अच्छी नहीं है, यानी देश की हालत अच्छी नहीं है. उधार लेके खा रहे हैं तो इसका मतलब भी यही हुआ कि देश की हालत अच्छी नहीं है. ठीक है, अब है बजट एक्सपेंडिचर, बजट के व्यय कौन कौन से तरह के व्यय होते हैं, तो वो कल बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ बजट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, दो तरह के व्यय हैं, एक राजस्व व्यय हो गया और दूसरा हो गया पूंजीगत व्यय. ठीक, तो व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. जो सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्व के स्तर पर कोई भी प्रभाव न डाले वो है रिवेन्यू रिसीप्ट. बिल्कुल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ठीक है, रिसीप्ट में भी वैसी ही डिफिनीशन है और इसमें भी वैसी है डिफिनीशन, कोई भी प्रभाव ना डाले. ठीक, बस डिफरेंस क्या है, इन रिसीप्ट वी रिसीव मनी, इन एक्सपेंडिचर वी स्पेंड मनी. रिसीप्ट में हम प्राप्त करते हैं, धन मिलता है, और एक्सपेंडिचर में हम खर्चा करते हैं, वैसे ही डिफिनीशन मिलती जुलती है. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट अफेक्ट द असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. तो इट शोज द फॉलोइंग टू करेक्टर्स, इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जब ये व्यय किए जाते हैं, राजस्व व्यय किए जाते हैं, तो इनसे कोई असेट जनरेशन नहीं होते हैं, मीन्स कोई परिसंपत्तियां नहीं होती हैं, यानी हम पूंजी पे नहीं खर्चा कर रहे हैं. ठीक है,
ठीक है, assets will not be generated for the government. Any new capital will not be bought. Any new company, new factory, new building, new road will not be constructed. कोई भी नई चीज नहीं बनेगी, मतलब ऐसी चीज जो परिसंपत्ति में आए, ठीक है, ना तो कोई रोड ना कोई बिल्डिंग, कुछ नहीं बनेगा. असेट वगैरह खर्चा सरकार कर रही है, लेकिन कुछ उसके पास बन नहीं रहा है, कोई भी असेट नहीं जनरेट हो रही है, कैपिटल नहीं जनरेट हो रही है, पूंजी नहीं बन रही है. ठीक है, इफ द गवर्नमेंट मेक एनी बिल्डिंग, इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी टू बाय सम शेयर, अगर सरकार कोई नई बिल्डिंग बनवाए या कोई शेयर करे दे कंपनी के या कोई नई कंपनी तैयार करे, तब तो वहाँ पे क्या होता है, असेट बिल्डिंग होती है, असेट तैयार होती है, पर संपत्ति होती है, इनमें नहीं होती है. तो एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर ओल्ड एज पेंशंस, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. वृद्धावस्था की पेंशन या सैलरी देना, वेतन देना या स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मतलब वजीफा जो होता है, ये सारी चीजें देना क्या किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, कोई भी एसेट नहीं होता है. अब इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी बट इट्स लायबिलिटी मीन्स इट्स बोरोइंग आर नॉट रिड्यूस. वाट एवर मनी इट हैज बोरोड अर्लियर, इट देयर इज नो रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ दैट मनी. जो भी मनी सरकार ने पहले उधार लिया था, अब उसमें कुछ कमी नहीं आई है, उधारी कम नहीं हुई है, उतना ही धन अभी भी वापस देना है. सरकार ने खर्च तो किया लेकिन कोई भी लायबिलिटी कम नहीं हुई है. ठीक है, इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग विद स्पेंडिंग इन एनी नेचुरल कैलमिटीज, मीन्स इट इज स्पेंडिंग टू प्रोवाइड फ्री फूड सप्लाई और फ्री ब्लैंकेट्स, फ्री मेडिसिन टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, देन देयर विल बी नो एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी. अगर सरकार कोई भी काम कर रही है लोगों को सहायता देने के लिए, मुफ्त में कोई बाढ़ पीड़ित है, कोई भूकंप पीड़ित है, तो उसको खाना भोजन वगैरह की व्यवस्था कर रही है, टेंट वगैरह लगा रही है, दवाएं वगैरह भिजवा रही है, इन सब की आपूर्ति कर रही है, तो इससे सरकार की कोई जो लायबिलिटी है, दायित्व है, वो कम नहीं हो रही है. ठीक है, दोनों काम नहीं हो रहे हैं, ना तो दायित्व कम हो रहा है, ना ही कोई भी असेट जनरेट हो रही है. ठीक है, तो शॉर्ट में बोला जाए तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स refers to estimated expenditure of the government in a fiscal year which does not create assets or causes a reduction in liability. राजस्व व्यय सरकार के वह नियोजित व्यय होते हैं, estimated expenditure मतलब ये हमारी योजना पर है, अभी actual नहीं है, जो ना तो सरकार की पर संपत्तियों में वृद्धि करते हैं, ना ही उसकी देयताओं में कमी लाते हैं. मींस देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की परिसंपत्ति और देयताओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं. इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट. भारतीय सरकार के बजट, भारत सरकार के बजट के जो भी मुख्य घटक हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, राजस्व व्यय के मुख्य घटक भारत सरकार के बजट के व्यय में, पहला है वेजेस बिल ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है. ठीक है, सेकेंड थिंग इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट पेज इंटरेस्ट ऑन ऑल द बोरोविंग्स, विच एवर बोरोविंग इट हैज टेकन, विच एवर
मनी इट हैज बोरोड फ्रॉम एनी सोर्स, सरकार ने जिस भी स्रोत से जो भी धन उधार लिया है तो उस पर ब्याज का भुगतान करती रहती है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज मीन्स फॉर हेल्प ऑफ अदर, सहायकी जो होती है, टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट और टू हेल्प अदर पीपल, लोगों की सहायता करने के लिए या राज्य सरकार की सहायता करने के लिए जो भी सब्सिडी होती है वो। डिफेंस परचेजेस सुरक्षा संबंधी खरीदारी, ठीक है। फॉर डिफेंस द गवर्नमेंट परचेज मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, बहुत सारी वस्तुएं खरीदती है सरकार डिफेंस के लिए, ठीक है। वो सब आते हैं किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो ग्रांट्स इज आल्सो गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ग्रांट्स यानी अनुदान जो है वो भी दिए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को, और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं मतलब संघ शासित क्षेत्र हैं उनके सरकार को, ठीक है। दीज आर आल्सो ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट सम ग्रांट्स मे रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ असेट्स, कुछ ग्रांट्स ऐसी होती हैं जिनसे असेट क्रिएशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग ग्रांट्स टू बिल्ड अ डैम, अगर सरकार जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक डैम बनाने के लिए बांध बनाने के लिए मदद करती है, ग्रांट देती है, डोनेशन देती है, अनुदान देती है, तो इसको क्या करेंगे, वी विल ट्रीट इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानेंगे बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट गेट एनी मनी एनी इनकम फ्रॉम दिस डैम, इस डैम से केंद्र सरकार को कोई भी धन नहीं मिलने वाला है, कोई भी उससे आय नहीं होने वाली है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, वट एवर द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स इट विल डू, जो भी सरकार को करना है राज्य सरकार को दे दिया, वो जो कुछ करना है वो करेगी अब, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम नहीं मिलेगी उससे अब। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय कौन से व्यय होते हैं, ये ऐसे व्यय होते हैं, वे पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो सरकार के लिए या तो परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं या फिर सरकार के दायित्वों में कमी लाते हैं। सरकार की या तो परिसंपत्तियां बढ़ जाती हैं या फिर उसके दायित्व कम हो जाएंगे। मीन्स दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल हैव टू करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इट विल क्रिएट असेट फॉर द गवर्नमेंट और इट विल कॉज सम रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दो तरह की इसकी विशेषताएँ होंगी ऐसे व्यय की, दो का मतलब दोनों में से एक, ठीक है। पहली, या तो इससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी या फिर दूसरी क्या होगी, सरकार के दायित्वों में कमी हो जाएगी। मीन्स इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू बिल्ड एनी कंपनी और इट इज गोइंग टू परचेज द शेयर ऑफ एनी अदर कंपनी, देन इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार कोई भी नई कंपनी खोलने जा रही है या कोई भी पहले से कंपनी है उसके शेयर खरीदने जा रही है तो उससे क्या होगा, सरकार की असेट्स बढ़ेंगी, परिसंपत्तियां बढ़ेंगी, तो वो आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एंड इफ द गवर्नमेंट रीपे बैक द लोन देन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रिड्यूस्ड, अगर सरकार लोन को वापस दे रही है, वापस चुका रही है, तो सरकार के दायित्व तो जो है वो कम हो जाएंगे, देयताएं में कमी आ जाएगी। सो दैट विल आल्सो बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे।
In short, capital expenditure refers to estimated expenditure on the of the government in a fiscal year which creates assets or causes a reduction in liabilities. Short में क्या है पूंजीगत व्यय किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा वे नियोजित व्यय होते हैं जो या तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं या फिर सरकार की देयताओं में कमी कर देते हैं. इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट. भारतीय सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय के मुख्य मदें कौन कौन से पूंजीगत व्यय हैं? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स द गवर्नमेंट विल क्रिएट सम कैपिटल. अगर बिल्डिंग बना रही है लैंड बना रही है तो उससे कैपिटल जनरेट होगी. ठीक है. इफ द गवर्नमेंट बिल्ड्स एनी स्कूल हॉस्पिटल बैंक्स डैम्स कुछ भी बना रही है स्कूल बना रही है अस्पताल बना रही है रोड नहर वगैरह कुछ बना रही है तो उससे असेट जनरेट हो रही है परिसंपत्तियां हो रही है. एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन सो दैट विल बी कैपिटल मीन्स असेट. अगर मशीनरी हो रही है मशीनों को या दूसरे और सामानों की खरीदारी हो रही है तो उससे असेट जनरेट होगी तो वो भी आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में. परचेज ऑफ शेयर मीन्स न्यू असेट्स आर जनरेटेड फ्रॉम दीज शेयर द गवर्नमेंट विल अर्न प्रॉफिट. सरकार अगर शेयर खरीद रही है अंशधारिता खरीद रही है तो वो भी असेट की तरह है. उनसे उन परिसंपत्तियों से क्या होगा सरकार की आमदनी बढ़ेगी उनका लाभ बढ़ेगा. लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशंस. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को लोन देना या स्टेट कॉरपोरेशन को लोन देना. ठीक है. वेन एवर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जब भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार से लोन लेंगी तो सिक्योरिटी जो होंगी वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास जाएगी. ठीक है. देन ऑन दीज सिक्योरिटीज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अर्न इंटरेस्ट. ये जो सिक्योरिटीज है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा. ठीक है. प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नियोजित और गैर नियोजित व्यय. ठीक है. बोथ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर वी हैव जस्ट स्टडीड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. दीज बोथ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इंटू प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. जो अभी हमने पढ़े हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इन्हीं दोनों व्यय को हम अलग तरीके से भी बता सकते हैं. मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ना करके हम क्या कर दें इनको नियोजित व्यय और गैर नियोजित व्यय भी कह सकते हैं. ठीक है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है मींस प्लान एंड नॉन प्लान. बोथ में भी रिवेन्यू और कैपिटल ये दोनों नियोजित और गैर नियोजित व्यय दोनों रिवेन्यू या कैपिटल में से कुछ भी हो सकते हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्लान एक्सपेंडिचर नियोजित व्यय में क्या होता है. प्लान एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू स्पेसिफिक प्लान्स आर प्रोग्राम्स लाइक 5-year प्लान 1-year प्लान और एनी स्कीम दैट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट और इट मे बी असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. नियोजित व्यय में क्या होता है कोई भी सरकार योजना या कार्यक्रम या कोई भी योजना स्कीम ला रही है तो उस पर होने वाला व्यय. तो यहाँ तो हम पहले से प्लान बनाएंगे ना नियोजन करेंगे कि क्या हमें कितना खर्च करना है किस स्कीम के लिए. ठीक है. या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद देती है तो इसका भी पहले से प्लान बनाती है किस किस राज्य सरकारों को कितना व्यय देना है. ठीक है. व्हाट विल बी द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल
रिवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के जो भी रिवेन्यूज हैं, जो भी उनकी ये प्राप्तियां हो रही हैं, राजस्व आ रहा है, उससे कितना प्रतिशत उसे राज्य सरकार को देना है। ठीक, सो दिस इंक्लूड्स बोथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक असिस्टेंस टू द स्टेट, अगर केंद्र सरकार राज्य को सहायता देती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक अंडर प्लान द गवर्नमेंट थिंग्स टू कॉन्स्ट्रक्ट एनी रोड, एनी ब्रिज और हॉस्पिटल, डैम एक्सेट्रा। सरकार कोई भी प्लान बनाती है और उस प्लान में कोई भी एसेट जनरेट हो रही है, बिल्डिंग बना रही है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, ठीक है, नहर बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो वो हुआ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों तरह के आ जाते हैं, मतलब ये एक नया तरीका है उन्हीं चीज को डिस्क्राइब करने का, क्लासिफाई करने का। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मीन्स दीज आर रिलेटेड टू डे एक्सपेंडिचर, मीन्स रूटीनली एक्सपेंडिचर, जो हमारा डेली खर्चा होता रहता है, सरकार के जो डेली काम होते रहते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर आते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। यहाँ पहले से प्लान नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है, लाइक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनको वेतन देना, ये डे टू डे एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। रूटीन फंक्शनिंग एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स डे टू डे जो वर्क होता है गवर्नमेंट का, जो चलता रहता है। दीज एक्सपेंडिचर आर ऑन सर्विसेस लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, सब्सिडी वगैरह देने के लिए, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मीन्स बजट एक्सपेंडिचर वी कैन क्लासीफाई बजट एक्सपेंडिचर इंटू टू कैटेगरीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वी कैन ऑल्सो से डेट प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो भी बजट का व्यय है हम उसको अलग अलग ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं, या तो हम बोल दें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, या पूंजी खाते का व्यय, या दूसरा है हम उससे बोलें कि नियोजित व्यय और गैर नियोजित व्यय, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। बस एक चीज अब ये नोट करना है, आफ्टर द अबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग टू अबोलिश द क्लासिफिकेशन ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर एज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जब से प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है ना, बंद कर दिया गया 2014 से, 2014 से, तो उसके बाद क्या है, सरकार अब बजट के व्यय को नियोजित और गैर नियोजित व्यय का जो वर्ग है उस वर्ग से वर्गीकृत करना भी बंद करना चाहती है, मतलब ये ढंग खत्म करना चाहती है, ठीक। तो अब इतना ये हो गया, बजट रिसीप्ट हो गई, बजट एक्सपेंडिचर हो गए हैं। अब इसके बाद आगे वाली जो भी कहानी है वो कल चलेगी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो वो बताएगा। Thank you.